Hello friends, welcome to e-commerce by Sukla classes. Today's topic is ER model in Hindi. Computer topic Hindi aur English mein chaliye shuru karte hain. Let's begin. Agar aap self study karna chahte hain hamare channel pe to apne mobile phone aur laptop ki awaaz ko band kar sakte hain. Thank you for attention and let's start the topic ER model. Jo bahut hi important topic hai ER model ka. ER model ko 1976 mein Peter ne prastavit kiya tha. और ER मॉडल का उपयोग रियल वर्ल्ड की कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ER मॉडल डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। ER मॉडल को ER डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यह एंटिटीज़ के ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करता है, एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप दर्शाता है। ग्राफ के थ्रू समझते हैं, एक पर्सन है, उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे उसके नाम है, नाम में उसके दो एट्रीब्यूट हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एड्रेस उसका एक एंटिटी है, SSN एक एंटिटी है, बर्थडे, एज और हॉबीज एक एंटिटी है। ER मॉडल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ER मॉडल के दो मुख्य कंपोनेंट हैं, पहला है एंटिटी और दूसरा है उसके मध्य रिलेशनशिप। तो एंटिटी क्या होता है, पहले ये समझते हैं। एक एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसा कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम और कस्टमर की सिटी आदि एट्रीब्यूट हैं जिन्हें कस्टमर एंटिटी में डिफाइन किया जाता है। ER डायग्राम में एंटिटी को रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंटिटी सेट क्या होता है? एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के एंटिटीज़ का समूह होता है जो समान गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, DBMS में एंटिटी जो है वो कई प्रकार की होती हैं। पहली है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जो अपने एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, तो हम कह सकते हैं इसमें प्राइमरी की नहीं होती है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? ER डायग्राम में रिलेशनशिप एंटिटीज़ के मध्य रिलेशन को दर्शाता है। रिलेशनशिप को डायमंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, टीचर टीच एट स्कूल एंड सोल्जर एनरोल्स इन ए मिलिट्री, जहाँ टीच और एट और एनरोल्स रिलेशनशिप कहलाते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तीन प्रकार की होती है। पहली रिलेशनशिप है हमारी बाइनरी। अगर रिलेशनशिप टाइप की डिग्री दो है यानी कि टू है, तो उसे हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी इज इक्वल टू डिग्री टू। सेकेंड है टर्नरी। अगर रिलेशनशिप टाइप की डिग्री थ्री है, तो उसे हम टर्नरी कहते हैं, टर्नरी इज इक्वल टू डिग्री थ्री। और थर्ड है एन एरे। अगर रिलेशनशिप टाइप की डिग्री एन है, तो उसे हम एन एरे डिग्री यानी कि एन एरे कहते हैं, और एन एरे इक्वल टू होता है डिग्री एन। तो इसकी की एज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। एट्रीब्यूट क्या होता है? एक एट्रीब्यूट एंटिटी की एक प्रॉपर्टी होता है जो कि अन्य एंटिटी से डिफरेंट होती है और वो एंटिटी के बारे में सूचना प्रोवाइड करती है। वे एट्रीब्यूट जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें की एट्रीब्यूट कहते हैं, और वे एट्रीब्यूट जो एंटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं। एक एट्रीब्यूट टाइप एंटिटी टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एट्रीब्यूट को एलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसका सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और जेंडर उसके एट्रीब्यूट हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कितने टाइप्स के होते हैं? DBMS में एट्रीब्यूट कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं वो सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, जबकि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं यानी कि विभाजित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नाम का जो यानी कि नेम एट्रीब्यूट जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में विभाजित हो जाता है, जहाँ नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक सिंपल एट्रीब्यूट है। सेकेंड है हमारा सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो किसी व्यक्ति की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, और वह एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाती है। एग्जांपल के लिए, किसी कार के कलर्स और एम्प्लॉई का फ़ोन नंबर। थर्ड है स्टोर्ड एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट। इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट की वैल्यू से डेराइव किया जाता है। अगर इसका कोई एग्जाम्पल लें तो किसी पर्सन की एज को उसके बर्थडे से डेराइव किया जाता है, तो एज एक डेराइव्ड एट्रीब्यूट है।
और उसकी जो बर्थ डेट है वो एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट जो 3 एट्रीब्यूट्स थे उनके टाइप्स। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है या फिर किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, हमेशा अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वन न्यू वीडियो अपडेट, सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल एंड हिट द